पे बैठा लीजिए, इनकी पत्नी है हमारे साथ। आपको बता दें ये जो विजय चौधरी की बात करें, ये है विजय चौधरी, इनकी पत्नी के पास फोटो है, यही है विजय चौधरी। कब शादी हुई थी आपकी? 2020 में। तो ये विजय चौधरी है, वहाँ लोग कह रहे हैं कि विजय चौधरी उस्मान नहीं है, सब फरोबी है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो लोग फंसा रहे हैं जबरदस्ती, इसीलिए तो उनको इनकाउंटर कर दिए, मुसलमान बना दिए उनको, इसलिए बोल दिया कि अतिकवा के मन में, अतिकवा उसमें फड़ गए हैं कि अतिकवा का मन नहीं है। हम लोग इतने दिन से देश में हैं, हमको लोग पता नहीं है, आप लोग भी जानते हैं, गांव टोला वाले भी जानते हैं कि क्या नाम है, हम लोग मुसलमान हो गए हैं। पुलिस जो कह रही है नाम गलत है, उस्मान जो नाम ले रही है, नाम बिल्कुल गलत है, इनका नाम बिल्कुल गलत है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग फंसाए गए हैं, इनका नाम उस्मान नहीं नाम है। हमारे पति को मारे हैं तो हमको भी मार रहे हैं, बस हो गया। क्यों आपको क्यों इनकाउंटर कर रहे हैं? हमारा भी करिए, हमारा कौन है, आगे पीछे कोई नहीं है मेरा, मैं भी लंबे मेरी शादी की थी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, उनके सिवा कोई नहीं था। मतलब क्या गलत मारा गया? बिल्कुल गलत मारा गया है, बिल्कुल गलत मारा गया है। तो विजय की पत्नी का आरोप है कि जानबूझकर विजय का गलत नाम बताया जा रहा है। वो कहती है कि विजय ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया था, जबरन विजय को उस्मान बनाया जा रहा है। वो कहती है कि वो लोग अतीक को जानते तक नहीं। उनके मुताबिक विजय तो एक कंपनी में गाड़ी चलाने का काम करता था। विजय की पत्नी कहती है कि चाहे तो जेल भेज देते, सजा दे देते, लेकिन एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। कल से क्या गतिविधि थी आपके घर पर पुलिस? विधि थी यही थी, पूरा फोर्स आया था, बैठा था, पूरा चारों तरफ से घुमा रहा था हमको, पूरा खेत घुमा रहा था। क्या कह रहे थे? कहे कि चलो उसको बुलाओ। काहे बुलाएं हम, काहे बुलाएं? तो अब क्या कहेंगी योगी जी, क्या कह रही है? हम योगी जी से यही कहते हैं, हमको भी इंसाफ चाहिए, हमको भी मारते तभी हमारे पति सब वो करते हैं, लेकिन हमारे पति वो नहीं थे, मारते नहीं, लोग वो कर देते हैं, चले जाते हैं, 2-3 साल के लिए जेल हो जाती है, हाँ, लेकिन इनकाउंटर नहीं करना चाहिए, गलत हुआ। हमारा भी कर दीजिए वो इनकाउंटर, योगी जी से कह दीजिए हमारा इनकाउंटर भी कर दीजिए। आपको बता दें कि आज सुबह करीब 4 बजे कोंधियारा में पुलिस